वेलकम टू आवर प्रेलेट एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपी नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है इंडियन पुलिस फाउंडेशन सर्वेक्षण। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है, जिन्हें संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा गया है। अगला है गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी दी है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट एक ग्रीन फील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। इसे 36,230 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। अगला है हॉट एयर बैलून कार्यक्रम। वाराणसी में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अधिकतम 1,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकने वाले इन बैलून में एक बार में 30 लोग उड़ान भर सकेंगे। अगला है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। जेवर हवाई अड्डा दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और उत्तर प्रदेश में अब भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला यूपी राज्य बन गया है। अगला है पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी जिले का दौरा किया। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं हम। झांसी में प्रधानमंत्री ने गरौठा में 600 मेगावाट अल्ट्रामैक सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। उन्होंने झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पार्क को लगभग 40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 11 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री राम सुतान ने बनवाया था। अगला है प्रधानमंत्री ने झांसी किले में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्र रक्षा सम्मेलन पर्व में भी भाग लिया। अगला है पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन। केंद्र भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने नोएडा में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया। वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर प्रोटोटाइप को राज्य द्वारा संचालित भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अगला है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। इसे उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिवस राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। ये थे यूपी नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।